का। लेकिन सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रोडवेज में लंबे समय बाद कर्मचारियों की भर्ती होगी। बड़ी खबर, 393 पदों के लिए बोर्ड ने भर्ती पर फैसला हुआ है। अलग अलग पदों के लिए रोडवेज विभाग भर्ती करेगा, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए, खासतौर पर अभ्यर्थी जो है उनके लिए एक बड़ी सूचना, बड़ी खबर। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ है कि कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। लंबे वक्त के बाद अब 393 पदों के लिए बोर्ड में भर्ती होगी। अलग अलग पदों के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से भर्ती निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। रोडवेज में लंबे समय बाद कर्मचारियों की भर्ती होगी। 393 पदों के लिए बोर्ड में भर्ती पर फैसला लिया गया है। अलग अलग पदों के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, काफी समय से स्टाफ की कमी जो है, कर्मचारियों की कमी से रोडवेज जूझ रहा था और मांगे उठ रही थी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों ही तरफ से, बाहर से भी लोगों की मांग थी। जो अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान रोडवेज में नौकरी करना चाहते थे, इसके इच्छुक थे, वो भी मांग उठा रहे थे। अंदर भी कर्मचारी जो है वो ये मांग करते रहे। दामोदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर, ये एक बड़ी खुशखबरी का है उन लोगों के लिए जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और राहत कहीं ना कहीं होगी जो कर्मचारी अभी भी जो है कमियों से जूझ रहे थे, जहां पर स्टाफ की कमी से उनका उन पर ज्यादा जिम्मेदारियां थी, तो दोनों ही तरफ से ये राहत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं। उस निर्णय के बाद में कर्मचारियों ने काफी खुशी है। लंबे समय से 700 वेतनमान की भी मांग कर रहे थे, जो कि उनकी जो मांग थी वो पूरी हुई है। खासतौर से जो रोडवेज कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था वो अब कमी दूर होगी। लगातार रोडवेज में अब नए नए निर्णय किए जा रहे हैं जिससे कि रोडवेज में जो कमियां थी वो दूर होगी। खासतौर से जो कार्यशालम तकनीकी कर्मचारी है उनके रात्रि भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है, 5 रुपए से बढ़ाकर अब 20 रुपए किए गए हैं। और खासतौर से जो साबुन भत्तों के हैं उनमें भी 4 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए हैं। ऐसे करके जो जोधपुर का एक बस स्टैंड उसको भी राज्य स्तरीय बनाया जाएगा, जिसमें 68 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही जो 700 वेतनमान है उसमें 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार के लिए भी निवेदन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें कि इस बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसका इंतजार था, और कहीं ना कहीं एक खुशखबरी इन कर्मचारियों के लिए भी। शुक्रिया दामोदर, तमाम जानकारी।